Tennis Cricket dot in India's first tennis ball cricket website. ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। करते नजर आएंगे पांच ओवर का मैच, पहला ओवर की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे प्रभाकर। पहली गेंद पर अच्छा यहां पर स्क्वायर कट किया बैट्समैन ने, गेंद जाती हुई इस बीच डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड मैन और डीप बैकवर्ड पॉइंट के बीच में खेला हुआ स्ट्रोक। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं अरुण यादव का इस मैच में अंपायरिंग की भूमिका में नजर आते हुए। अच्छा स्ट्रोक, क्विक सिंगल, एक रन मुकम्मल यहां पर बैट्समैन ने अर्जित किया, एक रन एक्स्ट्रा रन टीम के खाते में यहां पर बैटिंग टीम के लिए आता हुआ। यह अच्छा स्ट्रोक है, यहां पर खड़े खड़े खेलने का प्रयास, टाइमिंग लाजवाब और स्पेशल स्ट्रोक आता हुआ बैट्समैन अंकुश के बल्ले से। छह रन की मदद से टाउटन की टीम की तरफ से बैट्समैन अंकुश के बल्ले से वो लगता हुआ सिक्सर। केतन मात्रे की अगली गेंद, आइकॉन प्लेयर और रिद्धि सिद्धि कोपरी की टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए, अच्छी फील्डिंग वहां पर कैप्टन के द्वारा, सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ टीम की तरफ से नेतृत्व करते नजर आए हैं और अच्छे खिलाड़ी ओवर फेंकने आए हैं। गेंद हवे में है लेकिन एक बार फिर चकमा देकर जाएगी, तेज गति से बल्ले पे आई और रॉकेट की तरह गेंद लॉन के ऊपर से, फील्डर के ऊपर से, छह रनों के लिए 43 टीम का स्कोर, 43 रन। व्हाट अ स्ट्रोक, कमाल की बैटिंग। अब तो दोनों तरफ से यहां पर लाठी चार्ज होता हुआ, यानी दोनों तरफ से राउंड द विकेट। फुल टॉस की गेंद थी, एक मौका था बड़ा स्ट्रोक खेलने का, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद जाती हुई, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना और अंपायर का निर्णय आता हुआ यहां पर कुछ। दो रन मुकम्मल और साथ ही साथ नो बॉल, कमर के काफी ऊपर, टोटल 3 रन इस गेंद पर। अच्छा 48 पर चौथा ओवर चलता हुआ मैदान पर, पहली इनिंग का बैकफुट पे आके खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद काफी देर हवे में है, विनो योगेश बोईर गेंद तक पहुंचे जरूर लेकिन गेंद हाथ में नहीं आ पाया, लेकिन एफर्ट की यहां पर दाद देनी होगी। अच्छी फील्डिंग वहां पर, कोशिश जरूर किया वहां पर योगेश बोईर ने, आखिरी ओवर भी काफी क्रूशियल होगा दोनों ही टीमों के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए। ऑफ ड्राइव किया है, यह नजारा आपको निश्चित तौर पर रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा में देखने को मिलेगा, खिलाड़ी गिरेंगे उठेंगे और फिर वापस खड़े होंगे।